हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुरानी वाली जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है, अगर इसकी चाबी गुम जाती है तो हमको स्प्लेंडर प्लस बाइक को चालू कैसे करना है, वो भी बिना टूल्स की मदद से। और जब कभी आपको चाबी मिल जाएंगी तो आप चाबी लगाकर भी इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। तो फटाफट से वाला वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अगर आपकी स्प्लेंडर प्लस बाइक की चाबी गुम जाती है तो उसको चालू कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारे पास जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है ये बहुत दिनों से रखी रखी हुई थी, तो इसकी जो चाबी है वो गुम गई है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये चाबी यहाँ पर बंद है और इसकी चाबी गुम गई है। और हम आपको बताने वाले हैं पुरानी वाली जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है इसको कैसे डायरेक्ट करते हैं और चालू करते हैं। जब आपकी चाबी मिल जाएंगी तो आप वो डायरेक्ट से भी हटा देंगे। तो अभी ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो बाइक की चाबी है वो घूम गई है और ये बंद है, तो हमारी जो बाइक है वो चालू बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसको चालू करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो चाबी स्विच से वायर आए हुए होते हैं, यहाँ पर चार वायर जो कि ये सॉकेट में लगे हुए होते हैं, बस ये सॉकेट को हमको निकाल देना है और हमारी जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है ये डायरेक्ट हो जाएंगी दोस्तों। ये चाबी स्विच से आए हुए होते हैं चार वायर वाला सॉकेट, इसको हमको निकाल देना है। ये हमने निकाल दिए हैं और अब हमारी जो बाइक है स्प्लेंडर प्लस पुराना मॉडल ये डायरेक्ट हो चुकी है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी जो बाइक है ये चालू हो गई है, जबकि इसकी जो चाबी है ये भी बंद है। ये देख सकते हो, हम फिर से किक मारते हैं और चालू करके आपको बताते हैं। अगर आपकी चाबी गुम जाती है दोस्तों तो आप ऐसे ही उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चाबी मिल जाती है तो आप बस इसका सॉकेट जो है उसको यहाँ पे लगा लीजिए, आपकी जो गाड़ी है वो पुराने तरीके से वर्क करने लगेगी दोस्तों।